ఉగాది ముందే వచ్చే తొలి అమావాస్య సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోని ఇమ్లీబస్ గోశాలలో గోపూజ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బజరంగసేన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లక్ష్మణరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ వెంటనే గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని కోరిన లక్ష్మణరావు బజరంగసేన ఆధ్వర్యంలో 33 జిల్లా అధ్యక్షులను అతి త్వరలో ప్రకటిస్తామని వారు తెలిపారు. के अवसर पर हम यहाँ पे इमली वन गौशाला में अपने गौसेवा करते हर महीना यहाँ पे हम लोग आते रहते. हमारे बजरंगसेना टीम पूरी यहाँ पे आती और हम गौसेवा करते. और हम मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और गौ हत्या बंद हो. और रेवंत रेड्डी साहब को भी, CM जी को भी हम ये भी विनती कर रहे हैं, जय गौ माता. आज हम बजरंगसेना के ओर से अभी 33 डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट में हर प्रेजिडेंट को घोषित करने वाले हैं. और इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट का तो हो गए, अभी और फ्यूचर में और होने वाले महीने 2 महीने के अंदर हमारे भव्य रैली के साथ उसके अवसर पर हम यहाँ पे इमली वन गौशाला में अपने गौसेवा करते हर महीना यहाँ पे हम लोग आते रहते. हमारे बजरंगसेना टीम पूरी यहाँ पे आती और हम गौसेवा करते. और हम मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और गौ हत्या बंद हो. और रेवंत रेड्डी साहब को भी, CM जी को भी हम ये भी विनती कर रहे हैं, जय गौ माता. आज हम बजरंगसेना के ओर से अभी 33 डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट में हर प्रेजिडेंट को घोषित करने वाले हैं. और इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट का तो हो गए, अभी और फ्यूचर में और होने वाले महीने 2 महीने के अंदर हमारे भव्य रैली के साथ